विक्रम सिंह आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज मेरे सामने खड़ी है महिंद्रा बोलेरो नियो। अब दोनों में डिफरेंस बहुत ही कम है प्राइसिंग के बारे में बात करें, लेकिन दोनों की लुक्स में बहुत डिफरेंस है, दोनों के काम करने के तरीके में बहुत डिफरेंस, चलने के तरीके में बहुत डिफरेंस है। आज उसके बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सी गाड़ी परचेस करनी चाहिए और किस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी। देखिए, जो महिंद्रा बोलेरो है ये एक टाइप से पैसेंजर सेगमेंट में ना होकर कमर्शियल सेगमेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रफ बहुत सारे लोग बैठेंगे, बहुत गाड़ी को रफ यूज़ करेंगे। इसके प्लास्टिक से आप देख के बता सकते हैं कि बहुत ही रफ प्लास्टिक, आपको दिखाता हूँ क्लोज। तो इसको कोई भी ऐसे स्क्रैच मारे बड़ी आसानी से पड़ेगा नहीं। डैशबोर्ड थोड़ा छोटा है तो ये लेग स्पेस ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, मतलब बेसिक सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ताकि लॉन्ग रन में मान लीजिए कोई बंदा इसको एज ए कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो लॉन्ग रन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी गाड़ी के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बहुत कम है। ये देखिए, यहाँ पर एक मैकेनिकल लॉक है और इसके सारे पावर विंडोज़ यहाँ पर दिए गए हैं। अब सीटिंग हाइट के बारे में बात करें तो देखिए, मुझे बोनेट पूरा दिखाई दे रहा है और ये जो कैमरा है मेरी आंखों के लेवल के आसपास रखा हुआ है मैंने। जो शोल्डर लाइन है वो काफ़ी नीचे है, मेरा शोल्डर अब मैं दिखाऊँ आपको यहाँ तक है। तो बॉडी मतलब जो विजिबिलिटी है उसके हिसाब से ये जो बोलेरो है वो काफ़ी ऊंची है एज़ कम्पेयर टू नियो। हेडरूम के बारे में बात करें तो हेडरूम मुझे लगता है काफ़ी कम है बोलेरो के हिसाब से, लेकिन इसका जो सीटिंग स्पेस है थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा खींचेंगे तो एडजस्ट किया जा सकता है। तो स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो बेसिक स्टीयरिंग व्हील है, ना ही कोई स्टीरियो कंट्रोल है, ना ही कोई क्रूज कंट्रोल है, और जो स्टीरियो है वो बेसिक स्टीरियो है, बेसिक एसी कंट्रोल्स हैं जो पुरानी वाले महिंद्रा थार के अंदर आते थे ना वैसे वाले, आपको दिखाऊं, जो पुरानी वाली महिंद्रा थार के अंदर आते थे वैसे वाले एसी कंट्रोल हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और कोई भी यूएसबी सॉकेट नहीं है, और यहाँ पर एक छोटा सा फ़ोन रखने की जगह है, बोतल रखने की जगह यहाँ पर है और एक छोटी सी जगह यहाँ पर है, साथ में थोड़ी सी जगह यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर दी गई है, और छोटा सा ग्लव बॉक्स दिया गया है, मिनी सा ग्लव बॉक्स। बट एक चीज़ में अलग है महिंद्रा बोलेरो नियो से, वो है ये ग्रैब हैंडल। देखिए, ये गाड़ी एक टाइप से छोटी मोटी ऑफ रोडिंग बहुत आराम से कर सकती है, हार्ड कोर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती, लेकिन जो ऑफ रोडिंग टाइप की चीज़ें होती हैं मतलब गाँव में जो रफ ट्रेन होता है वहाँ पर ये ऑफ रोडिंग बड़ी आराम से कर सकती है। एक बोलेरो का ड्रॉबैक ये है, यहाँ पर सिर्फ एक ही एयरबैग दिया गया और यहाँ पर कोई एयरबैग नहीं है, मतलब सेफ्टी के मामले में ये बोलेरो नियो से थोड़ी पीछे है। पीछे वाले स्पेस के बारे में बात करें तो पीछे वाला स्पेस सिंपल है, मैं कहूँगा कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल दिए हैं और दूसरे पावर विंडो कंट्रोल यहाँ पर भी दिए हैं, आपको दिखाया था मैंने, मतलब पैसेंजर और ड्राइवर दोनों कंट्रोल कर सकते हैं पीछे वाले दोनों डोर्स को। अब ये गाड़ी तो बंद है पड़ी है इसलिए, और यहाँ पर एक क्वार्टर पैनल दिया है क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका जो डोर है वो यहाँ से नीचे से कटा हुआ है तो इसको डायरेक्टली पूरा नीचे लेके जा नहीं सकते। सीट बेल्ट आपको दिखाऊं तो सीट बेल्ट यहाँ से निकल के पीछे आ गई है, तो फिट एंड फिनिश के मामले में बोलेरो के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, ताकि कुछ ख़राब ना हो ज़्यादा। एक सेंटर लाइट दी है और यहाँ पर एक छोटा सा माइक दिया हुआ है, बेसिक IRVM है डे एंड नाइट कन्वर्ट करने के लिए, और ये बोलेरो का इंटीरियर है। पीछे के बारे में बात करें तो दो बंदे या फिर दो बूढ़े या फिर दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, मेरे जैसे इंसान तो दो बिल्कुल ना बैठ पाएंगे। तो जो लोग बोलेरो लेने वाले हैं वो कमर्शियल सेगमेंट के अंदर लेने वाले हैं, इसको एज ए रफ व्हीकल के तौर पे लेने वाले हैं, ताकि कोई भी इसके अंदर बैठे कुछ ज़्यादा कुछ बदमाशी करे तो गाड़ी को ज़्यादा नुकसान ना हो, स्क्रैचेस ना पड़े। प्लास्टिक बेसिक क्वालिटी का है, हार्ड प्लास्टिक है, तो कोई भी स्क्रैच मारने की कोशिश करेगा ख़राब नहीं होंगे। साइड से कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद करेगा वो डोर ख़राब नहीं होगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ज़्यादा है नहीं तो वो भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ड्रॉबैक मुझे हमेशा महिंद्रा बोलेरो का लगता है, वो आपको आगे जाके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है रबर बीडिंग वाली, ये विंडशील्ड के ऊपर चारों तरफ ये रबर बीडिंग लगाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से पानी की लीकेज बहुत ज़्यादा होती है। आपने मेरी महिंद्रा थार की वीडियो देखी होगी, इसमें पानी की लीकेज ज़बरदस्त होती है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है। तो इस मामले में बोलेरो नियो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें पेस्टिंग वाली विंडशील्ड आती है। हालांकि जो TOV 300 थी वही सेम है, उसको फेस लिफ्ट दिया गया, लेकिन बोलेरो नियो के नाम से वो थोड़ी सी इमेज जो है TUV 300 की वो चेंज हो जाती है। दूसरा ये ड्रॉबैक ये है कि इसके डोर जो है वो बाउंस बैक मारते हैं, आपको देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये बाउंस बैक मारते हैं दरवाजे, और ये बंद नहीं हुआ अभी तक, अरे ये बंद हुआ है, ज़ोर से बंद करने पड़ते हैं, ये भी देखिए, ये भी ज़ोर से बंद करना पड़ता है। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि बोलेरो का जो ग्लास है वो वर्टिकल शेप में है, ना कि हॉरिजॉन्टल शेप में। अब ये तो पता नहीं कि क्यों किया गया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में होता है तो ज़्यादा व्यू आता है साइड वाले गाड़ियों का,
पीछे आने वाली गाड़ियों का हॉरिजॉन्टल अगर लंबाई में होता है तो, यहाँ पर ये वर्टिकल में है और ये मैनुअल है, इसको चेंज नहीं किया सकता। उसको चेंज करने के लिए यहाँ से इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा ताकि ड्राइवर को आराम से दिख सके। अब जाते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। अगला ड्रॉबैक ये है, इसके जो हिंजेस है वो बाहर की तरफ है, तो कई बार होता है ये दरवाजे निकाल के चोर गाड़ी को चुरा लेते हैं। कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। ये स्टार्ट एंड स्टॉप का मतलब ट्रैफिक के अंदर थोड़ी सी माइलेज ज़्यादा बढ़ाएगा, और ये हेडलाइट लेवलर है। तो गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक सी गाड़ी है, सब कुछ बेसिक है। बेसिक MID कंट्रोल है, स्पीडोमीटर सब कुछ है, सब कुछ बेसिक है मैं कहूँगा, ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। बस इतनी ज़्यादा बिकती है, मतलब इतनी ज़्यादा बिकती है गाड़ी, महिंद्रा का सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी यही है बोलेरो।